राष्ट्रीय आंदोलन घटना, ठीक है? उनको याद कर लेना, बोलता जा रहा हूँ, ठीक है? ये पहला है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में एओ ने की थी। स्वदेशी आंदोलन, बंग आंदोलन 1905 में। आप क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है? मुस्लिम लीग की क्वेश्चन, कुछ भी इसमें तो सारे इंपॉर्टेंट है, तो सारे याद करने हैं। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की थी आगा खान एवं सलीम उल्लाह खान। क्वेश्चन आ जाएगा, है ना? कांग्रेस विभाजन 1960 में हुआ था, ठीक है? होम रूल की स्थापना किसने की थी? 1916 में की थी। तो तला पर एनी बेसेंट ने, है ना? तो याद कर लेना। ये कितना, ये लखनऊ एक्ट याद कर लेना, ठीक है? गोल एक्ट 1919 में, जलियांवाला हत्याकांड किसने किया था? 13 अप्रैल 1919। और इस सिक्वेंस याद कर लेना ऐसे, मतलब भाई 7 तक ये हुआ था ना। 19 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, 19 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, शौकत अली मोहम्मद अली ने हंटर कमेटी बनाई थी 1920 में, ठीक है? वो जलियांवाला बाग से रिलेटेड थी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जिसमें असहयोग प्रस्तावित पास हुआ था, ये वाला ना, 12वां असहयोग 1920 में। अब ये कब से प्रारंभ हुआ? 1 अगस्त से प्रारंभ हुआ, ठीक है? तो 1 अगस्त से प्रारंभ हुआ, 1 अगस्त 1920 से महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। फिर कब बंद हो गया था? ये चोरी चोरा हत्याकांड हो गया था तब ये बंद हो गया था, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में, है ना? इसको 100 साल हो गए थे अभी, 5 फरवरी को 100 साल। तो ये क्वेश्चन भी आया था UPPET में कि 100 साल किस घटना को हो गए थे अभी गोरखपुर में, असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922, ठीक है? चोरी चोरा हत्याकांड याद रखना, ठीक है? तो और ये याद रख लेना, चोरी चोरा हत्याकांड 1922 में हुआ था, हाँ, या फिर 21 में, चलो 22, इसको लिख लेना ना, देख लेना एक बार और अपने बुक से। साइमन कवि स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है? ये तो ये याद रखना है, जो रोल एक्ट लिखा है ना, काला कानून रोल एक्ट आया था ना 1919 में, तो किसी को भी संदेह के अनुसार, मतलब कोई भी है, जैसे मैं हूँ या फिर और कोई भी है, तो जैसे संदेह हो गया कि हाँ ये कुछ कर सकता है, तो उसे जेल में कर दिया था, है ना? उसे रोल एक्ट बोलते थे। रोल एक्ट के उसमें असहयोग आंदोलन का वो हो गया, ठीक है? 1 अगस्त 1920 में, ठीक है? फिर स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। चोरी चोरा हत्याकांड देख लिया, 5 फरवरी 1922 में। स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई 1923 में, ठीक है? फिर आ गया 1927 में। अगर डेट भी आगे याद ना हो तो सन तो याद होने चाहिए, 1927 में, ठीक है? 1927 में ये आ गया, जॉन साइमन कहते हैं, साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन का क्यों विरोध हुआ? क्योंकि इसमें कोई भी हिंदू नहीं था, सारे सारे लोग जो थे ना वो ब्रिटिश ही थे। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को, ठीक है? साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 28 में, ठीक है? साइमन नियुक्ति हुई थी 1927 में, तो नियुक्ति उत्ति तो मत करना, पर ये डायरेक्ट 1928 में कब आया? 1928 में, 3 फरवरी 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में, ठीक है? ठीक है, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना? तो ये याद कर लेना, ये आता रहता। गुजरात के, ये बरदौली, जो बरदौली सत्याग्रह है ना 1928 में, गुजरात के किसान का लगान, ये याद कर लेना, क्वेश्चन आता है। ये सरदार वल्लभ भाई के उसमें थी, ठीक है? ठीक है, लोहार षड्यंत्र, ये असेंबली में बम फेंकना 1929 में। लोहार अधिवेशन कब हुआ इसे याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोहार अधिवेशन 1929 में हुआ था, है ना? और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था, ठीक है? 2 जनवरी 1930 में सुधीरता के रूप में मनाने की घोषणा की थी, ठीक है? नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 को, ठीक है? देख लेना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में, ठीक है? वो अब ये याद कर लेना, ये वाले, ये है ना, ये द्वितीय गोल में संग्रह ये आएंगे ना, प्रथम, जब प्रथम गोल में सम्मेलन हुआ ना वो हुआ था 1930 में, 12 नवंबर 1930 में, ठीक है? फिर इसके बाद इसमें
वो क्या पूछता है कि इसमें कौन कौन शामिल हुआ। इसमें शामिल हुआ ब्रिटिश जो थी वो थी, और इसमें शामिल हुए थे अपने अंबेडकर, और कौन शामिल हुआ था, आगा खान जो मुस्लिम लीग थी ना, वो तीनों। अब इसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी, ठीक है, हैं? इसमें कांग्रेस 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 शामिल नहीं हुई थी। अब भाई कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, पहले कोई भी पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी थी। अब उसको करने के लिए फिर उसके बीच में फिर ये हुआ था 1931 में, महात्मा गांधी और वायसराय एब्राहम के बीच में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, उसको स्थगित करने की घोषणा कर दी थी। अब पूछेगा द्वितीय गोमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया, गांधी जी ने, मतलब कांग्रेस ने भाग लिया। पूछेगा द्वितीय सम्मेलन में कौन कौन ने भाग लिया, द्वितीय गोमेज सम्मेलन में लिया था महात्मा गांधी ने, अम्बेडकर ने, और अम्बेडकर ने, और मुस्लिम लीग ने, और ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय में लिया। फिर ये जो पूना पैक्ट, ये पूना पैक्ट ये वाला, ठीक है, इसको याद रखना। पूना पैक्ट हुआ था ना वो गांधी और अम्बेडकर के बीच में, उस टाइम पे क्या अछूत अछूत ये वाला सिस्टम चलता था, तो अम्बेडकर नाराज थे महात्मा गांधी से, पर दोनों के बीच में एक समझौता हो गया, ये वाला है ना, ये वाला समझौता हो गया है इसमें 1932 में, ठीक है, ये जिसे पूना पैक्ट बोलते हैं, इसे याद रखें ना, 1932 में, ठीक है जी। अब फिर ये क्वेश्चन आएगा, फिर तीन गोलमेज सम्मेलन हुए, फिर तीसरा आएगा, ठीक है, तीसरा, फिर इसमें इसने भाग नहीं लिया महात्मा गांधी ने, मतलब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, पर तीस में अम्बेडकर, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार, ठीक है। फिर ये फॉरवर्ड ब्लॉक गठन 1939 में, किसने गठन किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया। पूछ लेगा है ना, ये पाकिस्तान की मांग कहाँ पे हुई, मुस्लिम लीग के लोहार अधिवेशन में, इसको याद रख लेना है ना, कि मुस्लिम लीग में हुई थी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को, भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 में, इसको याद रख लेना। इसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो, या तो इधर की पार है उधर की पार, करो या मरो, ठीक है, ये याद रख लेना। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, कैबिनेट मिशन एक साइमन क्रू, तो कहा साइमन का कमीशन था, है 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आसवन दे दिया है। फिर क्या कर रहा है, कैबिनेट मिशन आया 1946 में, ठीक है, फिर ये चीज हुई, फिर इनको लिख लेना। माउंट बेटन योजना 3 जून 1957, ये विभाजन की वो रख ली थी, इधर स्वतंत्रता हुई थी, ये भूदान वाला हो गया, इनको लिख लेना, और ये मैंने पूरा करवा दिया है, ठीक है जी, कर लेना इनको, ठीक है जी, चलो जी।